ओबीसी का होने से उसके घर में पैदा हो जाने से कुछ नहीं होता है। ओबीसी को कल्याण के लिए सोच होनी चाहिए। सामान्य सीटें थी और शासन ने 4% ही रिजर्वेशन ओबीसी कर दिया था, लगभग बाकी खत्म कर दिया था। तो वो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे थे, जो कि रिजर्व सीट मानकर, तो काम करने का उनको लड़कों को परिणाम मिला कि सामान्य सीट हो गई तो वोट उनका विभाजित हो गया, ओबीसी का वोट इकट्ठा चला गया, इसलिए वो ओबीसी के लोग जीत गए। ये बिल्कुल सत्य है कि अजाक्स के माध्यम से एससी एसटी का जो संगठन है बड़ा मजबूत है, अजाक्स कर्मचारियों का संगठन है और कर्मचारियों के माध्यम से जनता भी लोग जो जुड़े हैं काफ़ी अच्छे से जुड़े हैं। उसी तरह ओबीसी भी एससी एसटी से दूरी बनाता है जब उनके घर वो आता है, ये दूरी खत्म करनी पड़ेगी। तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा ना, रोड पर तो आना पड़ेगा आपको, रोड पर नहीं आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर ओबीसी का एक दिवसीय आंदोलन चल रहा है। 17 पॉइंट की डिमांड है जिसमें जातिगत जनगणना और संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% ले जाना, ऐसी तमाम मांगे हैं। 17 पॉइंट है। इसके अलावा आज हमारे साथ है अरुण कुमार सिंह, जो ओबीसी महासभा के सचिव रह चुके हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो कार्यकारिणी वो भंग है, उन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है जनहित आवाज में। आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और जो आपकी डिमांड है वो क्या है और आगे का क्या प्लान? हमारी राष्ट्र, एक तो राष्ट्रीय मुद्दा है जातिगत गणना, जिसपे सरकार अभी 2031 से अभी तक नहीं हुई है, जो बहुत बड़ी, जिससे न्यायालय में भी हम लोगों के आरक्षण के मुद्दे को जो न्यायालय में चल रहे हैं वहाँ मांगा जाता है, तो बोलते हैं कि आप शासन वो दे डाटा पेश करें, शासन के पास डाटा नहीं है, इसलिए वो हम लोगों का लिंगारान हो रहा है कोर्ट के केस पूरे। लेकिन जो है जाति जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई कहा जा रहा है कि 2021 में हुई है, 11 में भी हुई है, लेकिन उसके आंकड़े नहीं दिए। जाति का कालम ही नहीं था 2011 के गणना में, और जो 2021 के कालम में जाति का कोई उल्लेख नहीं है, न धर्म का न जाति का। तो अभी क्या कर रहे हैं जो ओबीसी महासभा है या जो ओबीसी के सांसद हैं, एमपी, अभी तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, ऐसे में कहाँ दिक्कत आ रही है जनगणना? ओबीसी का होने से उसके घर में पैदा हो जाने से कुछ नहीं होता है। ओबीसी को कल्याण के लिए सोच होनी चाहिए और खुद मालिक होना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री हों चाहे मेरे मुख्यमंत्री हों, उनका मालिक कोई और है, वहाँ से चलती है। जो उनने कहा कि नहीं करना है तो नहीं करना है, इसलिए हम लोग आज लिंगाराम मानने से अभी तक मामला लटका हुआ है आरक्षण का 27% का। अभी तो मतलब सुनने में आ रहा है ओबीसी महासभा जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो या ऑल ओवर इंडिया, कुछ भी अगर ओबीसी का कुछ ऐसा काम, अभी एक आया था कि ओबीसी समाज की एक बेटी का रेप कर दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, उसमें बीजेपी के नेता कुछ शामिल थे, उन पर आरोप था, उसके बाद ओबीसी महासभा ने एक बड़ा प्रदर्शन करा जिसपे वहाँ की जो प्रशासन था लाठिया भी चार्ज की। तो ओबीसी महासभा जो है वो तो कहीं ना कहीं एक्टिव दिखती है, लेकिन और जो बाकी जो जातियाँ ओबीसी की, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, किसी खास का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो और ओबीसी की जातियाँ हैं महासभा को छोड़ दे, वो लोग उस तरीके से नहीं देखते, इसके पीछे क्या रीज़न समझते? क्या ओबीसी महासभा उन लोगों से अप्रोच करेगी इस तरीके का? ओबीसी महासभा में हर जात के लोग जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हैं वो काम कर रहे हैं। अभी 20 साल से हमारा वो आंदोलन खत्म था, 20 साल बाद ये पुनः आंदोलन चालू हुआ है, तो इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। उसका उदाहरण एक छतरपुर में हुआ था कि फर्जी रेप कांड लगाया गया था, उसमें 12,000 से 15,000 लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे उसमें फिर उस पंडित जी के खिलाफ फिर कार्रवाई हुई, शासन ने कार्रवाई किया, नहीं तो वहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो ये एक रिजल्ट मिला। उस आंदोलन का एक फायदा ये मिला कि बहोरी बंद एक विधान वो है, जिला पंचायत सदस्य थे वो, 40,000 वोटर थे टोटल, उसमें 25,000 वो अकेले वोट पा गए और कांग्रेस 7,000, बीजेपी 8,000, इस तरह का आंकड़ा था वहाँ का। तो वो उस आंदोलन की उपज है, तो कहीं ना कहीं हमको राजनीतिक फायदा भी मिलना
शुरू हो गया है। अच्छा, अभी खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें ओबीसी ने कई ऐसी सीटें थी जहां पर जनरल सीट थी, वहां पर ओबीसी ने चुनाव जीता। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि रिजर्व सीट से रिजर्व ही दिखता है। नहीं, ऐसा इसी जागरूकता के कारण क्या हुआ कि जो रिजर्व सीटें नहीं थी, सामान्य सीटें थी, और शासन ने 4% ही रिजर्वेशन ओबीसी कर दिया था लगभग, बाकी खत्म कर दिया था। तो वो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे थे चूँकि रिजर्व सीट मानकर, तो काम करने का उनको लड़कों को परिणाम मिला कि सामान्य सीट हो गई, तो वोट उनका विभाजित हो गया, ओबीसी का वोट इकट्ठा चला गया, इसलिए वो ओबीसी के लोग जीत गए। संख्या के आधार पर तो कम है, सामान्य वर्ग संख्या के आधार पर कम है, हमारे आप में फूट डालकर हमने हमेशा सत्ता पाई है। लेकिन अभी भी जो है, जो दलित एससी और ओबीसी की जो यूनिटी है या एसटी की, वो कहीं बड़े लेवल पे नहीं दिखती। जो चाहे जालौर का मामला हुआ हो, तो जो एससी संगठन थे, संस्थाएं थी, वो लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन ओबीसी उस हिसाब से उनके समर्थन में। ये बिल्कुल सत्य है कि अजाक्स के माध्यम से एससी एसटी का जो संगठन है बड़ा मजबूत है, अजाक्स कर्मचारियों का संगठन है, और कर्मचारियों के माध्यम से जनता भी, लोग जो जुड़े हैं काफ़ी अच्छे से जुड़े हैं। ओबीसी विखंडित है, हर समाज के 5-5, 10-10 संगठन है जिससे लोग विभाजित हैं, और इसको एक उस पर आना पड़ेगा। जातिगत अपना चलाएं संगठन, लेकिन बड़े स्तर पे किसी न किसी ओबीसी के संगठन पे आना पड़ेगा मंच पे, तब जाके हमें न्याय मिलेगा। क्या कभी ये भी सवाल आता है या समस्या आती है कि भाई हम ओबीसी हैं तो हम एससी के साथ क्यों जाएं? क्योंकि देखो हर जगह जातिवाद है, जो एससी है उसमें भी कैटेगरी है कि भाई मैं उसके यहाँ पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि वो मुझसे नीचे आता है, ये एग्जिस्ट करता है। हम सिर्फ जो है मनुवादियों को कह दें तो उससे बात नहीं। तो क्या ये भी कहीं बात आती है, सवाल आता है कि ओबीसी अप्रोच नहीं करता एससी समाज को? ओबीसी को जिस तरह से बड़ी जातियां ओबीसी के घर में जाने पर श्रवण विरोध करता है, दूरी बनाता है, उसी तरह ओबीसी भी एससी एसटी से दूरी बनाता है जब उनके घर आता है। ये दूरी खत्म करनी पड़ेगी, ये हर हाल में दूरी खत्म करनी पड़ेगी। जहाँ पे हम बैठे हैं, एससी एसटी का आएगा वो भी हमारा बगल में बैठे बगल में बैठाएंगे तो आपकी बात वो मानेगा। अभी क्या हो रहा है, जिस तरह हम ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, किसी ठाकुर के यहाँ जाते हैं, तो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, उसी तरह हम अपने से नीचे वालों के साथ भेदभाव करते हैं। ये दूरी खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके हम सफल होंगे अपने काम में। तो इसके लिए ओबीसी महासभा ने कोई पहल की है, जनसभाएं, नुक्कड़ या लोगों को जोड़ना, इस तरह का कुछ प्रोग्राम है ओबीसी महासभा? नुक्कड़ सभा में यही बात कही जाती है कि आप भेदभाव खत्म करें। यहाँ तक कि लोगों ने अभी तो यहाँ भी मुद्दा उठाया कि शादियाँ भी करनी पड़ेंगी, तब रोटी बेटी का जब रिश्ता जुड़ेगा तब जाके आपस में लोग वो होंगे, इकट्ठा होंगे। क्या लगता है सर आपको, आज जिस तरीके से ओबीसी समाज है, सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म का झंडा उठा रहा है या बीजेपी आरएस में से जिस पे ज्यादा काम किया है, कब्जा किया है, वो ओबीसी समाज है, तो कैसे देखते हैं, क्या ओबीसी समाज को उस चीज से निकाल पाना कितना आसान है, कितनी दिक्कत आई है? अभी क्या है कि ओबीसी समाज में जो ये छोटे छोटे संगठन बने हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, और जो भी सरकारें हैं तो सिर्फ ओबीसी को वोट बैंक मान के उनका उपयोग कर रही है। सिर्फ होता आ रहा अभी तक, कोई भी चुनाव आएगा तो उस समय पे ओबीसी को सामने करके उनको, अब जैसे देखिए जो भी टिकटें बांटी जाती हैं तो ओबीसी को उसमें बहुत पीछे रखा जाता है। तो अभी ओबीसी समाज जागना शुरू हुआ है और आगे, अभी ये जो आप नुक्कड़ प्रोग्राम बोले जगह जगह पे चालू है, उस पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ओबीसी अब एकत्रित हो रहा है, और एसटी एससी ओबीसी की जो 85% की जनसंख्या है, उस आधार पर ना तो इनको कहीं पे एडमिशन मिलता है, ना कहीं पे टिकटें दी जाती है, ना पंचायत स्तरों में उनको सम्मान दिया जाता है। इस चीज के लिए ओबीसी आगे बढ़ रहा है और आगे अच्छा करेगा ओबीसी, जिससे पूरे ओबीसी के 85% लोगों को फायदा होगा। क्या लगता है कि अब जो है आप खुद ओबीसी महासभा के सचिव रह चुके हैं, तो कितनी मुश्किलें आती हैं कि ओबीसी समाज को जागरूक करना, क्योंकि आज जिस तरीके से
धर्म की राजनीति जो हो रही है कि भाई मुसलमानों को दुश्मन दिखा दो, लेकिन उसके पीछे जो है बीजेपी आरएसएस कर रही है कि आरक्षण खत्म करना, मैन जो उनका वो अपना, तो वो लोगों को समझाने में कितनी दिक्कत आती है, खासकर यूथ को बहुत दिक्कत आ रही है। अब क्या है, हम हमारे मुख्य उद्देश्य को भटकाने के लिए कभी भाजपा और आरएसएस, कभी हिंदू मुसलमान, कभी एससी एसटी और मुसलमान, मतलब एक लड़ाई लड़ा देते हैं जिससे हम लोग अलग अलग अभी बटे हुए हैं। ये बिल्कुल पार्टी का काम है, तभी उनका सिद्ध हो रहा मामला। कह देते हैं कि हमने आपको आवास योजना दी, हमने आपको फ्री का गल्ला दिया, और जब दिल्ली सरकार ने थोड़ा सा कुछ दिया तो कहते हैं रेबड़ी बांट रहे हैं। बात तो वही है ना, दिल्ली सरकार, हम किसी पार्टी की वो नहीं कर रहे हैं, ना बुराई कर रहे हैं ना बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार डंके के चोट पे कहती है कि हमारा बजट सालाना माइनस में नहीं है, प्लस में है, सब बांटने के बाद आप क्यों माइनस में है? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का दो लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है, कहाँ से आएगा पैसा? सब मंत्री सब अपना अपना भरते जा रहे हैं, और गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा। तो आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, ओबीसी महासभा का क्या रोड मैप होगा कि वो किस तरीके से, जो इस तरीके की ताकत है जो देश को कमजोर कर रही है, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रही है, उनसे लड़ने के लिए क्या रोड मैप? हम लोगों का इस बार का उद्देश्य है कि हमारा जो भी बात करेगा, और हमारे आरक्षण पे जो लंबित प्रकरण है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, प्रमोशन में आरक्षण कर्मचारियों का, जो भी जो है हमारे यहाँ 14% आरक्षण, उसको 27% पूरा करेगा, हम लोग उसके साथ करके दिएगा, वादा करने भर से नहीं होगा। इस बार वादा करते करते 75 साल हो गए, अब करके पहले करोगे तब हम मानेंगे, नहीं तो हम अपना अलग स्टैंड बनाएंगे, हम किसी और के साथ जाएंगे, या कि खुद अपना कैंडिडेट ओबीसी का खड़ा करेंगे। इस टाइम क्या लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबीसी समाज से आते हैं, राष्ट्रपति जो है वो एससी समाज से, इससे पहले जो है अभी जो राष्ट्रपति वो एसटी समाज से, इससे पहले एससी समाज से थी, तो जो टॉप पोजीशन थी वो बहुजनों की थी, एससी एसटी ओबीसी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लगातार निजीकरण हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस आईपीएस बनाए जा रहे हैं, अदालतों में ओबीसी और एससी एसटी की उतनी भागीदारी नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? इस मुद्दे पे हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक मुकदमा लगाया था कि जो सरकार सरकारी वकील नियुक्त करती है, गवर्नमेंट वकील, जिसको मानदेय देती है, अगर सरकार ने किसी को 1 रुपया मानदेय दिया तो वो वहाँ पे आरक्षण लागू होना चाहिए। तो सरकार ने, हम लोगों ने लगाया, तो अभी हाई कोर्ट ने सरकार के दबाव में वो खारिज कर दिया कि हम ये सरकार, न्यायालय अलग है, सरकार अलग है, जबकि मानदेय सरकार देती है। तो ये तो बड़े उच्च स्तर से ये पहले से भी बैठे हुए हैं कि हम जब आपको सरकारी वकील नहीं बनाएंगे, अनुभवी वकील नहीं बनाएंगे, तो आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, न्यायालय में आप जज बन नहीं सकते। तो जब हम ना न्यायपालिका में जा पाएंगे और ना विधायिका में जा पाएंगे, तो हम अपनी बात वहाँ रख ही नहीं पाएंगे। हमारा वकील लड़ता रहता है नीचे बैठ खड़े होके और खारिज कर देते हैं। सर, निजीकरण को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के तमाम सांसद हैं, मतलब 200 के आसपास होंगे रिजर्व कैटेगरी से जो जीत के आते हैं, वो लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जबकि लगातार देख रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है, आरक्षण पे हमला हो रहा है। निजीकरण की जहां तक बात है, तो निजीकरण में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी सांसद विधायक हैं, वो भी जिस भी सरकार में, वो दबाव में आके काम करते हैं, तो वो अगर संसद में आवाज़ उठा देते हैं एक बार, तो उनके सारी, कहीं ईडी लग जाएगा, कहीं सीआईडी लग जाएगी, इस चक्कर में डर का माहौल क्रिएट रहता है, तो उस चक्कर वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और ये जो निजीकरण हो रहा है, जैसे रेलवे का, बीएसएनएल का, और आपके बिजली का, इससे सिर्फ नुकसान है, कलेक्शन के लिए तो निजीकरण हो रहा है, लेकिन जो सुविधाएं देना उसके लिए निजीकरण नहीं हो रहा है, वो सरकार के हाथ पे, जो खर्चे वाले मद हैं वो सरकार के पास है, जो फायदे वाले मद हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास है। ये सबसे बड़ी समस्या है निजीकरण में, रेलवे में भी यही होने जा रहा है। और अभी तो मध्य प्रदेश में 35 सालों के लिए अडानी को बिजली की सप्लाई को दे दिया गया है जी, कितना, 35 साल के लिए,
बिजली अडानी को दे दी जी, पेपर में था 35 साल के लिए बिजली अडानी जी को दे दी गई है, अडानी ग्रुप को। सर क्या लगता है, जैसा सर ने कहा कि ईडी सीबीआई के डर से जो ओबीसी के या एससीएसटी के नेता सांसद हैं, ईडी और सीबीआई के डर से वो आवाज नहीं उठा पा रहे, क्या ये हकीकत है या वो जाति फायदे के लिए समाज के साथ धोखा करते हैं? वो ईडी सीडी के सीआईडी से केवल वो डर रहे हैं जिनने गलत तरीके से पैसा कमाया है। जो नेता जैसे नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया, ईडी नहीं सीबीआईडी नहीं, जिसको भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना है, उन्होंने कहा जाओ मेरे यहाँ। तो जो नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का, चाहे अलग अलायंस की पार्टियों का हो, वही डर रहे हैं ईडी सीबीआईडी से, जो जिनने गलत तरीके से पैसा कमाया है, गलत तरीके से काम किया है। मैं तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं अधिमान पत्रकार भी हूँ, तो हमने लड़ाई लड़ी और अभी हमने अपने इसके लिए सीआईडी हमारे खिलाफ, पत्रकारों खिलाफ जब मुकदमा कोई पंजीबद्ध हो तो उसके पहले नहीं होगा जब तक सीआईडी जांच नहीं जाएगी। तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा ना, रोड पे तो आना पड़ेगा आपको, रोड पे नहीं आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी खबर आई थी कि कुछ पत्रकारों ने खबर चला दी, 5-6 पत्रकार थे तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया, तो उसी बात के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, और लड़ाई लड़ने के बाद लिखा पढ़ी कि पीएमओ कार्यालय में एक पत्र दिया था, उसका ये हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अभी 5-4 दिन पहले एक आदेश जारी किया है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ जो सोशल मीडिया में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि सोशल मीडिया एक मंच है, आप उसको मना नहीं कर सकते ना उसके ऊपर बैन लगा सकते, तो आप उसको बकायदे सुरक्षा प्रदान करना है। आप अगर कोई न्यूज़ चैनल में आज चलाया है तो उसके लिए सीआईडी जांच करें, वो गलत किया है सही किया है, अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं होगा तो मामला नहीं बनेगा, ये आदेश हो गया मध्य प्रदेश। इसी तरह सारे स्टेट में होना चाहिए, और राष्ट्र स्तर पर एक बार हो जाएगा तो सारे अपने आप। तो ओबीसी इसके लिए कुछ काम कर रही है, ये आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, हम ये तो पत्रकारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत पत्रकारों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम लोग इंडिविजुअल अपने जो अधिमान पत्रकार हैं, जो पत्रकार भाई और जुड़े हैं उनसे, उनके माध्यम से करते हैं ये लड़ाई। चलिए थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। अभी एक खबर आई थी कि ट्विटर ने कहा था कि जो भारत सरकार है उसने ट्विटर को अप्रोच करा था कि उनका एक एम्प्लॉय या एजेंट जो है ट्विटर में रखा जाए, जो भारतीय यूज़र हैं उनका डेटा उनको प्रोवाइड करवा सके, यानी कि जो यूज़र हैं उनका पर्सनल डेटा चोरी करने की बात कही जा रही थी। ये बहुत सनसनीखेज खबर थी, बहुत डरावनी खबर थी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से डेटा चुराना और फिर उसका इस्तेमाल करना, आज आप देख ही रहे होंगे ईडी सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये खबर बहुत चौंकाने वाली थी। और अभी अरुण सर ने बताया कि किस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनको आए दिन क्या होता था, पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, डराया धमकाया जाता था और उनको मार पीट कर उनसे खबर पर रोक लगवा दी जाती थी। मध्य प्रदेश से इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जहाँ पत्रकारों को मारा गया था, उनके कपड़े उतरवाए गए थे, तो ये उनके लिए अरुण सर ने लड़ाई लड़ी और जो जीत भी हुई इनकी, तो इसलिए लड़ना पड़ेगा, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। इसके अलावा मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये था कि ये जो भाजपा और बीजेपी की सरकार है आरएसएस, वो मुसलमानों के ज़रिए मुसलमानों को मारने के या उनको टाइट करने के चक्कर में असल हमला जो है वो है ओबीसी एससीएसटी के आरक्षण पर, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि मुसलमानों को दुश्मन दिखाया गया, अब उसके बाद क्या होगा कि जो ओबीसी एससी एसटी है वो मुसलमानों से दूर हो जाएगा, उनमें दूरियां बनेगी, फिर जो बीजेपी है वो मुसलमानों का साथ लेकर सत्ता में काबिज आएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, ना ही ढकी छिपी बात है, राजा रजवाड़ों के मुगलों से संबंध रह गए, रोटी बेटी के ये चीज़ें रही हैं, तो इसलिए ओबीसी को, खासकर बहुजनों को समझना पड़ेगा कि उनका हक किस में, उनका हित किस में है, ना कि जो आरएसएस की विचारधारा या राजनीतिक एजेंडा है उसके उसमें फंसकर आपस में भाईचारा ना बिगाड़े। इसीलिए आज यहाँ पर महासभा प्रदर्शन भी कर रही है जिसमें तमाम 13 पॉइंट हैं, जिसमें जातिगत आरक्षण है,
और जातिगत जनगणना है, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। आज ओबीसी महासभा भारत में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसका रिजल्ट मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में देखने को भी मिला था। इस वक्त जंतर मंतर पर कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनित आवाज़ दिल्ली।